सो यार वेलकम पोकेमॉन फैंस। तो यार आज की हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस यार आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं तीन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। एंड वो तीन चीज़ें हैं, पहली कि क्या गो अपने रोबोट को इवॉल्व करेगा, दूसरी है कि ऐश ग्रुकी या स्कॉर्पियो को पकड़ेगा, एंड लास्ट में कि क्या ऐश गला रीजन का चैंपियन बनने वाला है। इसलिए गाइस इस वीडियो को यार पूरी देखना लास्ट तक, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो यार बिना गवाए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ है वो है कि यार कि गो रोबोट को इवॉल्व करने वाला है कि नहीं। तो यार जो मेरे ख्याल से है कि गो रोबोट को इवॉल्व करेगा, क्योंकि देखो यार, क्योंकि हमने अभी तक जितना देखा है जो ऐश का जो स्ट्रिको है वो लड़ना चाहता था, एंड उसे लड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड वो सब टाइम में इवॉल्व हो गया है। एंड उसी तरह ऐश का चार्मेंडर भी चार्जार्ड में इवॉल्व हो गया, एंड जो गुफा रोबोट है उसे भी लड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड अगर वो ज़्यादा फाइट करेगा तो यार उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड उसका मन ही होगा सिंड्रेस में इवॉल्व होने का, क्योंकि अगर उसे सिंड्रेस में इवॉल्व नहीं होना होता तो वो रोबोट में इवॉल्व होता ही नहीं। तो यार 90% तक तो चांस है कि जो गुफा रोबोट है, 99% चांस है कि जो गुफा रोबोट है वो ज़रूर इवॉल्व होने वाला है। सो गाइस अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की, तो वो है लिया क्या ऐश सोबल को पकड़ने वाला है। तो यार मेरे ख्याल से तो हाँ बिल्कुल पकड़ने वाला है, क्योंकि देखो यार इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ ना यार वो मेरा ओपिनियन ही है, क्योंकि गाइस ऐश सोबल को इसलिए पकड़ेगा क्योंकि जो गो है ना उसने स्कॉर्पियो को चुना है, एंड स्वॉर्ड एंड शील्ड में बिल्कुल अलग है। हमारा राइवल जो पोकेमॉन चुनते हैं ना उसके खिलाफ जो पोकेमॉन ताकतवर होते हैं ना वो हम चुनते हैं, ये यार यही तो है। और जो स्कॉर्पियो के खिलाफ जो पोकेमॉन पावरफुल है वो पोकेमॉन है सोबल। तो यार ऐश जो है ना सोबल को पकड़ेगा तो पकड़ेगा, सोबल को पकड़ने के टोटल 90% तक तो चांस है। एंड ग्रुकी की बात करें तो यार ग्रुकी भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टार्टर पोकेमॉन है, वो भी आ सकता है भाई ऐश के पास, दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही ऐसा लगता है। एंड अब बात कर लेते हैं हम हमारी थर्ड चीज़ की कि ऐश गला रीजन का चैंपियन बनने वाला है। तो यार मेरे ख्याल से तो यार ऐश गला रीजन का चैंपियन नहीं बनेगा, 60% तो यार नहीं बनेगा, एंड बाकी के जो 70% है वो तो यही कहते हैं कि यार बन जाएगा। नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि देखो अलग अलग रीजन तो उन्होंने जीता दिया, और वैसे भी अलग अलग रीजन को अलग अलग लीग कोई ऑफिशियल लीग तो थी नहीं, और अगर ऐश चैंपियन बन गया तो मतलब कि यार वो पोकेमॉन मास्टर ही बन जाएगा ना यार, पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा, एंड उसके बाद ऐश का जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, और ऐश और पिकाचू अगर चल गए तो भाई पोकेमॉन कंपनी क्या करेगी भाई, बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए यार मुझे लगता है कि जो ऐश है वो नहीं जीत पाएगा, शायद से लियोन से हार जाएगा लास्ट में, मुझे तो बस ऐसा ही लगता है। एंड जो जीत पाएगा उसके चांस है कि यार शायद से गो की जो जर्नी है वो शुरू करने वाले है, इसलिए यार 50% तक तो चांस ही बनते हैं कि यार जो ऐश है वो जीत जाएगा। तो यार गाइस आज की वीडियो तो बस यही रखती है, एंड गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको ऐसी ऑसम वीडियोस चाहिए तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन भी चूज़ कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहीं पर मिल जाएगी। एंड गाइस ये हमारे पिछले पोकेमॉन के विनर्स, एंड आज का पोकेमॉन है कि गाइस बताइए कि ये कौन सा पोकेमॉन है जिन पांच यूजर्स ने सबसे पहले जवाब दिया उनका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो यार फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। I have you now.